दोस्तों, दिस इज हिमांशु और आप देख रहे हैं रेल टेल। आज मैं जर्नी करने वाला हूँ ट्रेन नंबर 05008 डाउन लखनऊ जंक्शन वाराणसी सिटी कृषक एक्सप्रेस में। तो चलिए दोस्तों, तैयार हो जाइए एक नए जर्नी के लिए और मैं आप सबको दिखाता हूँ लखनऊ जंक्शन, जो किसी एयरपोर्ट से कम नहीं है। दोस्तों, बहुत से लोग लखनऊ चारबाग स्टेशन और लखनऊ जंक्शन में कंफ्यूज रहते हैं, तो मैं क्लियर कर दूं कि ये जो सामने आप देख रहे हैं वो लखनऊ चारबाग स्टेशन है और अब जो आप देख रहे हैं वो लखनऊ जंक्शन है और जस्ट इसके बगल में लखनऊ चारबाग मेट्रो स्टेशन है। मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं और मेरी ट्रेन कृषक एक्सप्रेस यहीं से खुलती है। भाई साहब, लखनऊ जंक्शन भी लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन से कम नहीं है। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये स्टेशन रात को। वाओ, व्हाट अ सीन। मैं इंटर कर गया लखनऊ जंक्शन के अंदर। इंटर करने से पहले मेरा बस टेम्परेचर चेक हुआ और ये देखिए आप सब, कितना सुंदर है भाई। मतलब लग रहा है ये एकदम एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन तो लग ही नहीं रहा है। क्या बेहतरीन बनाया गया है लखनऊ जंक्शन को। और ये देखिए, फोटो शूट के लिए भी यहाँ पे स्पेस बनाया गया है, तो मैं एक जा रहा हूँ अपनी एक सेल्फी लेने यहाँ पे, और सेल्फी लेने के बाद मैं जाऊँगा अपने ट्रेन को बोर्ड करने के लिए जो कि प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर लगी हुई है। कृषक एक्सप्रेस एवरीडे लखनऊ जंक्शन से रात को 11:10 पर स्टार्ट होती है और अगले दिन दोपहर को 12:35 पर वाराणसी सिटी स्टेशन पहुंचती है। यह ट्रेन बाराबंकी, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, भटनी, मऊ के रास्ते वाराणसी पहुंचती है। दोस्तों, मेरा कोच नंबर B2 है और मेरी टिकट है RAC। RAC वालों को इस टाइम ट्रेन बोर्ड करना अलाउड है, सिर्फ वेटिंग लिस्ट वालों को ट्रेन बोर्ड करना अलाउड नहीं है। इस ट्रेन में 7 जनरल की कोच लगी हुई हैं, 8 स्लीपर की कोच लगी हुई हैं, 2 थर्ड AC की, 2 सेकेंड AC की कोच लगी हुई हैं और 1 कोच फर्स्ट AC की भी लगी हुई है। इस ट्रेन की फेयर की बात करें तो फर्स्ट AC के लिए आपको 1785 रुपये पे करने होंगे, सेकेंड AC के लिए 1075 रुपये पे करने होंगे, थर्ड AC के लिए 755 रुपये पे करने होंगे और स्लीपर के लिए 280 रुपये पे करने होंगे लखनऊ जंक्शन से वाराणसी सिटी के लिए। मेरा कोच है B2 और अब मैं जा रहा अपने कोच के अंदर। मेरा टिकट है RAC और मुझे मिली है आधी सीट। तो देखते हैं दूसरा बंदा कौन आ रहा है यहाँ पे। मैं अपनी आधी सीट पर अपना सामान शिफ्ट कर दिया हूँ। अब हम इंस्पेक्शन करने वाले हैं वेसिंग और वॉशरूम का। ये देखिए सामने चकाचक मिरर है, बगल में हैंगर है और वेसिंग भी एकदम साफ़ सुथरा है, नीचे डस्टबिन भी है। चलते हैं वॉशरूम की ओर, देखते हैं क्या कंडीशन है वॉशरूम की। वाह, मिरर एकदम साफ है, नीचे हैंड वॉश में लिक्विड भी है, वेसिंग भी एकदम चकाचक शाबाश, इंडियन रेलवे, डस्टबिन भी है यहाँ पे, लाइट्स भी अच्छे हैं और ये देखिए फैन भी है इस वॉशरूम में, क्या बात है। प्लस बायो टॉयलेट, शौचालय, नीचे इंडियन स्टाइल और आपको मैं दिखाता हूँ वेस्टर्न स्टाइल भी। ये देखिए यहाँ भी फैन लगा हुआ है, बहुत बढ़िया, क्या बात है। और ये वेस्टर्न स्टाइल, बगल में डस्टबिन, मग, पेपर, मिरर भी साफ, वेसिंग भी साफ, इसमें भी लिक्विड है, मैंने चेक कर लिया। अमूल गुलाब, बस ये कौन सा है, नोवा, ठीक है। और आप ये हो गया, एक कप। मेरे को पैसेंजर आ गए हैं, मैंने बेड लगा दिया है। सोने से पहले मैं दिखाऊंगा आप सबको लखनऊ का डिपार्चर और बादशाह नगर रेलवे स्टेशन। ट्रेन राइट टाइम खुल चुकी है लखनऊ जंक्शन से और आप देखिए ट्रेन का डिपार्चर।
अभी मैं दिखा रहा हूँ आप सबको थर्ड एसी का इंटीरियर। सीटिंग स्लीपिंग सब स्लीपर की तरह होता है, थोड़ा सा स्पेशियस होता है स्लीपर से। हम पहुँच गए हैं बादशाह नगर, स्टेशन कोड है BNZ, टोटल नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स हैं यहाँ पे दो और 72 ट्रेन्स का स्टॉपेज यहाँ पे डेली है। बादशाह नगर एक लोकल स्टेशन है लखनऊ जंक्शन का और ट्रेन हमारी खुल चुकी है यहाँ से। ट्रेन पहुँच गई है बस्ती स्टेशन और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स हैं चार। यहाँ से अयोध्या फैजाबाद के लिए लाइन्स निकलती हैं और यहाँ पे डेली 128 ट्रेनों का स्टॉपेज है। आप देख रहे हैं प्लेटफॉर्म पर कितना सन्नाटा है, कोई दिखाई नहीं दे रहा है। मैं भी आप लोगों को बस्ती से इस ट्रेन का डिपार्चर ट्रेन के अंदर से दिखा रहा हूँ ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन। और मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ, यह ट्रेन कृषक एक्सप्रेस इस रूट की पहली ऐसी ट्रेन है जिसको 9001:2015 ISO सर्टिफिकेट मिला हुआ है, जिससे इस ट्रेन की पंक्चुअलिटी और मेंटेनेंस का खासा ध्यान रखा जाता है, जैसा कि आप देख रहे होंगे वॉशरूम के कंडीशन से। हम पहुंच गए हैं गोरखपुर स्टेशन और आप देख रहे हैं कितना क्लीन स्टेशन है और ट्रेन भी कितनी क्लीन है। मज़ा आ गया सुबह सुबह। दोस्तों, मैं इस ट्रेन से गोरखपुर तक ही यात्रा कर रहा हूं और जर्नी एक्सपीरियंस की बात करूं तो इट वाज फैंटास्टिक। ट्रेन बहुत क्लीन थी और मुझे 5 मिनट पहले ही पहुंचा दी गोरखपुर। ये आप देख रहे हैं ब्यूटीफुल डेकोरेटेड वेटिंग हॉल ऑफ गोरखपुर रेलवे स्टेशन और हम हैं अभी विश्व के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म वाले स्टेशन पे। जी हाँ, दैट इज गोरखपुर रेलवे स्टेशन। सनराइज का समय हो चुका है और मैं निकल चुका हूँ प्लेटफॉर्म से बाहर। आप देख रहे हैं गोरखपुर रेलवे स्टेशन का कैंपस। और ये देखिए अपना प्यारा तिरंगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं हमेशा एक्टिव रहता हूँ इंस्टाग्राम पे, तो प्लीज़ मुझे वहाँ भी फॉलो कीजिए और अपने भाई को इनकरेज कीजिए। तो आई एम साइनिंग ऑफ फ्रॉम गोरखपुर जंक्शन। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टेक केयर।